साउथ अफ्रीका दौरे पर केएल राहुल ने चार मैचेस में कप्तानी की। एक तो जो टेस्ट मैच खेला गया जोहान्सबर्ग में, उसमें उन्होंने कप्तानी की, और बाकी के तीन जो ओडीआई मैचेस थे तीनों में कैप्टन थे केएल राहुल। और इन चारों कॉन्टेस्ट में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। ओवरऑल 6 मैचेस हमने खेले, 3 टेस्ट मैचेस जिसमें से सिर्फ एक में जीत मिली, बाकी 5 जो मैचेस हमने खेले 3 ओडीआई एंड 2 टेस्ट मैचेस, सब में हमें हार का सामना करना पड़ा। और इनमें से 4 मुकाबलों में केएल राहुल कैप्टन थे, लेकिन जब राहुल द्रविड़ से पूछा गया, जो कि टीम के कोच हैं इस समय, उनसे पूछा गया कि केएल राहुल की कप्तानी के बारे में आपको क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, केएल राहुल ने बहुत अच्छी कप्तानी की है, ही डिड अ डीसेंट जॉब, उनका कहना था। लेकिन उन्होंने कहा कि ये बड़ा मुश्किल होता है कि जब रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, लेकिन साफ साफ उन्होंने कहा कि केएल राहुल ने बहुत अच्छी कप्तानी की। साथ ही राहुल द्रविड़ ने ये भी बात कही है कि ये उनका पहला असाइनमेंट था भारतीय टीम को लीड करने को लेकर, एंड जैसे जैसे वो आगे कप्तानी करते जाएंगे वैसे वैसे इनकी कप्तानी में और निखार आएगा। अब बड़ा सवाल यह है कि केएल राहुल की कप्तानी को लेकर बहुत सारे पूर्व क्रिकेटर्स जो है वो गुस्से में नजर आए। सबका यही मानना है कि वो पैशन, वो हंगर, वो डेडिकेशन, वो जो चार्म होता है कैप्टन का, जो लीडरशिप क्वालिटी होती है, वो केएल राहुल में दिखी नहीं है। लेकिन कोच राहुल द्रविड़ ने कहा कि उन्होंने बड़ा डिसेंट जॉब किया है, हो सकता है कि परिणाम केएल राहुल के पक्ष में नहीं आया है, लेकिन काम उन्होंने बहुत अच्छा किया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि फ्यूचर में जैसे जैसे वो कप्तानी करेंगे वैसे वैसे उनकी कप्तानी में और निखार आएगा। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में केएल राहुल ने अच्छी कप्तानी की है, या आपको लगता है कि नहीं यार कप्तानी अच्छी नहीं है और इसी वजह से टीम हारी है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।